जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, आबे नारा शहर में इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्पीच दे रहे थे, तभी एक हमलावर ने पीछे से फायरिंग कर दी। गोलियां लगने के फौरन बाद आबे को हेलीकॉप्टर से नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान आबे को दिल का दौरा भी पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत और जापान के रिश्तों और ग्लोबल पार्टनरशिप में आबे की अहम भूमिका रही है। पूरे भारत में शोक है। उन्होंने शिंजो के सम्मान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है।